नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गाजीपुर के दुल्लापुर थाना परिसर में बुधवार को कोरोना टीम ने एंटीजन किट से थाना अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, पत्रकार रमेश सोनी सहित कुल 60 लोगों का कोरोना जांच किया। जांच में सभी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इससे पुलिस अधिकारियों सहित कर्मियों ने राहत की सांस ली। मालूम हो कि एक माह पूर्व भी दुल्लापुर थाने में सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की जांच की गई थी। उस समय भी सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। एक बार फिर कोरोना टेस्ट में सभी का रिपोर्ट नेगेटिव आने से लोगों में खुशी है। स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल विनोद यादव, इंद्रदेव, अनूप कुमार, दयाशंकर शर्मा ने बताया कि सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इस थाने के बाद टीम भूलखुड़ा थाने के रामपुर बलभद्र गांव के प्राथमिक विद्यालय पर लोगों का टेस्ट करने के लिए रवाना हुई। गहमर पुलिस ने बुधवार की सुबह यूनियन बैंक चौराहा के पास 15,000 के इनामियों को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद किया। मालूम हो कि गहमर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विमल कुमार मिश्रा, मय हमराह उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह के साथ ताड़ीघाट 12 मुख्य मार्ग पर गश्त पर थे। इसी दौरान सुबह करीब 5 बजे मुखबिर की सूचना पर गहमर यूनियन बैंक चौराहे के पास पहुंचे। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद युवक ने भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने घेरेबंदी कर दबोच लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा और एक कारतूस बरामद किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मोहम्मद अफरोज उर्फ राजू निवासी चौखंडी मोड़ थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार बताया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विमल मिश्रा ने बताया कि गिरफ्त में आया अभियुक्त गैंगस्टर के अभियोजन में वांछित और 15,000 का इनामिया है। संबंधित धाराओं में चलान कर उसे जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम में उप निरीक्षक प्रदीप कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल पटेल, कांस्टेबल रविंद्र कुमार, दिनेश कुमार, जुगलेश दुबे, हेड कांस्टेबल चालक देव बहादुर सिंह शामिल रहे। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के आह्वान पर बिजली के निजीकरण के विरोध में पूरे जनपद में उपखंड स्तर पर 9 जगह चिन्हित कर शाम से 5 बजे तक विरोध सभा आयोजित की गई। अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर में विरोध सभा में जिला संयोजक निर्भय नारायण सिंह ने कहा कि निजीकरण से सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अन्य का नुकसान छोड़ फायदा नहीं होने वाला, अतः निजीकरण को देश हित में नहीं होने दिया जाना चाहिए। इस मौके पर सह संयोजक इंजीनियर शिवम राय, सहायक अभियंता शत्रुघ्न यादव, अमित कुमार, अभिषेक राय, मिठाई लाल, सुरेश सत्यनारायण चौरसिया आदि उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सेवा सप्ताह के तीसरे दिन बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों तथा वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में टोली बनाकर नगर क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान नगर के विभिन्न इलाकों में स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ सफाई कर माल्यार्पण करने के साथ ही विभिन्न स्थानों पर जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों और नेताओं कार्यकर्ताओं ने झाड़ू लगाकर साफ सफाई की। सफाई अभियान में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय, योगेश सिंह, समरेंद्र सिंह, अमरनाथ दुबे, नगर पालिका अध्यक्ष सरिता अग्रवाल, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुनील सिंह, अजय राय दारा, क्षेत्रीय मंत्री सरोज कुशवाहा आदि शामिल रहे। मुख्यमंत्री निर्देश के अनुपालन में जनपद के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत एक पर्यटन केंद्र को विकसित किए जाने के संबंध में जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में विधायक गण की बैठक हुई। बैठक में भावरकोल में स्थित बाबा भदेश्वर नाथ मंदिर शिव मंदिर, अलीपुर मंदरा स्थित प्राचीन शिव मंदिर, ग्राम कुर्था ब्लॉक सदर स्थित पवहारी बाबा आश्रम, भदौरा सेवराय स्थित श्री श्री 108 बाबा कीनाराम जी मठ, मरदह स्थित देई माता मंदिर, सैदपुर में चौमुखनाथ धाम, ध्रुवार्जुन मंदिर, खारा स्थित शिव मंदिर का पर्यटन विकास के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस अवसर पर जमनिया विधायक सुनीता सिंह, जंगीपुर विधायक वीरेंद्र यादव, जखनिया विधायक त्रिवेणी राम, जहुराबाद विधायक प्रतिनिधि रामजी राजभर, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता, DFO GC त्रिपाठी सहित समस्त उप जिलाधिकारी एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।